हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कैप्सिकम फ्राइड राइस की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और फ्रेंड्स ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप उनको भी ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करवा सकते हो, उनको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स मेरा ये रेसिपी आप पूरा देखें, सेंटर में स्किप ना करें। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो, मेरा नाम सहाना राय है, मेरे किचन में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और एक पैन चढ़ा देंगे। पैन यहाँ पे गर्म हो गया तो हम उसमें डाल देंगे तेल। मैंने यहाँ पे बड़े से 3 चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे अदरक। मैंने 2 इंच लंबा अदरक को बारीक बारीक करके कट लिया था। अदरक के साथ हम उसमें डाल देंगे लहसुन। मैंने यहाँ पे 10-12 लहसुन की कलियाँ को बारीक सी कट लिया है। दोनों को हम अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अदरक और लहसुन को काट के डालने से फ्राइड राइस का जो फ्लेवर है ये बहुत ही अलग सा आ जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हो अदरक और लहसुन पूरी तरह यहाँ पे भून लिया है मैंने। फिर हम उसमें डाल देंगे ग्रीन चिली। मैंने यहाँ पे 3 ग्रीन चिली को ऐसे बारीक टुकड़ों में से कट किया है। अदरक और लहसुन का साथ ग्रीन चिली को भी हम मिला देंगे। फिर हम उसमें डालेंगे प्याज। मैंने बड़े साइज का एक प्याज को लंबा लंबे टुकड़े करके स्लाइसेस में कट किया है, आप देख सकते हो। प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे, प्याज को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो प्याज यहाँ पे पूरी तरह सॉफ्ट हो गया है, इससे ज़्यादा हम प्याज को फ्राई नहीं करेंगे। उसमें हम डाल देंगे सब्जी। तो मैंने यहाँ पे कैप्सिकम का फ्राइड राइस बना रहे हूँ, इसीलिए मैंने 3 कलर का कैप्सिकम लिया है। ग्रीन वाला कैप्सिकम, रेड वाला कैप्सिकम और येलो वाला कैप्सिकम। सभी कैप्सिकम को मैंने लंबा टुकड़ा करके और बहुत ही पतला पतला पीसेस में कट किया है, आप देख सकते हो। फिर हम कैप्सिकम को डाल देंगे प्याज का साथ, और प्याज का साथ हम कैप्सिकम को भी अच्छे से मिला देंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कैप्सिकम को मैंने अच्छे से मिला दिया है। फिर हम उसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर। नमक को आप थोड़ा सा ध्यान से डालें क्योंकि बाद में हम सॉस डालेंगे, सॉस में भी बहुत सारा नमक रहता है इसीलिए। और अच्छे से हम मिला देंगे, और ऐसे मिलाते हुए गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 5 मिनट हो गया है और ये जो कैप्सिकम है ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है। इससे ज़्यादा हम कैप्सिकम को भी सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, उसमें हम मिला देंगे सॉस। सबसे पहले हम उसमें डाल देंगे सोया सॉस। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच सोया सॉस डाला है। फिर हम उसमें डाल देंगे 2 चम्मच रेड चिली सॉस। फिर हम उसमें डालेंगे 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। सभी सॉस को हम बैलेंस करने के लिए उसमें हम 2 चम्मच डाल देंगे टोमेटो केचप। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम लो मीडियम कर देंगे। लो मीडियम फ्लेम पर इसको और 2 मिनट तक हम भून लेंगे। 2 मिनट बाद हम उसमें मिला देंगे विनीगर। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच विनीगर डाल दिया है। विनीगर की वजह से इसमें थोड़ा खट्टापन आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से यहाँ पे भून लिया है। फिर हम उसमें मिला देंगे राइस। मैंने राइस को पहले से उबाल के रख लिया था, आप देख सकते हो। उबला हुआ राइस को हम यहाँ पर मिला देंगे। लगभग 250 ग्राम राइस है यहाँ पर। और आप यहाँ पे रात का या सुबह का बचा हुआ चावल आपके पास रहेगा, वही चावल से भी ये रेसिपी को आप बना सकते हो। आप देख सकते हो ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। राइस को मैंने डालने के बाद अच्छे से हम मसाला के साथ इसको भी मिला देंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो राइस को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिला दिया है। फिर हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर। गर्म मसाला पाउडर ऑप्शन है, बोले आप चाहे तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर से हम एक बार अच्छे से इसको मिला देंगे और लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट हो गया है और ये जो फ्राइड राइस है ये पूरी तरह रेडी हो गया है। फिर हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसको हम सर्व करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता को भी आप डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। फिर इसको हम सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और आपके घर में कोई अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो उनको भी ये रेसिपी आप बना के खिला सकते हैं,
उनको भी बहुत ही पसंद आएगा और आपकी तारीफ करते रहेंगे वो। तो फ्रेंड्स, मेरा ये रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट करना, और मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को एक लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं इजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।